जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं की जुबानी तीर की खार भी तेज होती जा रही है। राजनेता अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने केंद्र सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधने का सिलसिला आरक्षण के मुद्दे से शुरू करते हुए सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस सरकार पर आरक्षण लागू नहीं करने का आरोप लगाया। केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं मायावती ने बिना नाम लिए बीजेपी को जातिवाद पार्टी बताते हुए मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही मुसलमानों पर सरकार द्वारा फर्जी केस दर्ज करने का भी आरोप लगा दिया। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। उधर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन के सवाल पर मायावती ने तल्ख तेवर रखते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। मैं कई बार कह चुकी, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की होड़ में गठबंधन और जोड़ तोड़ का दौर जारी है। वहीं मायावती भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेश की 86 सीटों पर दलितों, ब्राह्मणों के साथ साथ अब जाट और मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। आईएनएस रिपोर्ट।